मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहित अरोड़ा एंड टुडे वी आर डिस्कस कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी। ठीक है, फर्स्ट दो टू पॉइंट्स जो है वो अपने हो चुके थे, फर्स्ट टू पॉइंट अपने हो चुके थे और आज अपने थर्ड पॉइंट करेंगे कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी। ओके, तो लेट्स बिगन। द जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी आर सूटेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड एंड द कल्टिवेशन ऑफ अन इकोनॉमिक होल्डिंग। ठीक है, जॉइंट फार्मिंग के अंदर क्या होता है, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है जैसे किसी के खेत टुकड़ों के अंदर है। ठीक है, किसी का दो बीघा कहीं है, किसी का एक बीघा कहीं है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम है अब वहाँ पर कलेक्टिव फार्मिंग हो नहीं सकती, तो उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इसके अंदर अपने उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी के अंदर। ओके, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही ऐसी सोसाइटी बनाई जाती हैं। ओके, द लैंड ऑफ स्मॉल ओनर इज पोल्ड टुगेदर इंक्रीजिंग देयर बाय द साइज ऑफ यूनिट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, छोटे छोटे फार्मर क्या हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। स्मॉल ओनर कौन से होते हैं, जिनके पास 1 to 2 hectare ज़मीन है, मतलब 4 to 8 bighas जिनके पास ज़मीन है उनको स्मॉल फार्मर कहते हैं। तो उन सब को इकट्ठा करके बड़े लेवल पर ज़मीन को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर वहाँ फार्मिंग करते हैं। ओके, द मेम्बर ऑफ द सोसाइटी वर्क ज्वाइनली द पोल्ड लैंड एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जैसा प्रोग्राम होता है सोसाइटी का वैसे ही सेटअप किया जाता है सब कुछ। द कल्टिवेटर हु वर्क ऑन द फार्म रिसीव वेजेज ऑफ देयर लेबर। ठीक है, जो भी वर्क करेगा उसको उसकी मजदूरी के हिसाब से पैसा मिलेगा। एज अगेंस्ट द प्रोपायरशिप ऑफ लैंड द ओनर कल्टिवेटर गेट डिविडेंड एंड रेंट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द लैंड। ठीक है, सभी लैंड इकट्ठे करते हैं, उनकी क्या वैल्यू निकलती है, क्या उसका रेंट बनता है, वो रेंट उनको पे किया जाता है जिनकी ज़मीन है, और जो जो काम करेगा उस हिसाब से उनको लेबर मिलेगी। द कॉमन फंक्शन ऑफ दिस टाइप आर सोसाइटी आर प्लानिंग ऑफ क्रॉप प्रोग्राम। ये मिलकर सब क्रॉप की प्लानिंग करते हैं, कौन कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए। जॉइन परचेज ऑफ फार्म रिक्वेस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सोसाइटी आर प्लानिंग ऑफ क्रॉप प्रोग्राम। जॉइन परचेज ऑफ फार्म रिक्वेस्ट जॉइन कल्टिवेशन करते हैं, रेजिंग ऑफ फंड इकट्ठा कर देंगे फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड एंड जॉइंट सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस। ठीक है, द स्मॉल ओवर ऑफ लैंड आर इंक्रेज टू पुल देयर लैंड सो एज टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट ऑफ कल्टिवेशन। ओके, द सोसाइटी कैन ऑल्सो परचेज और टेक एंड लीज लैंड ऑफ कल्टिवेशन आउट ऑफ दिस प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीजर। ऑल द एक्सपेंसिस ऑफ कल्टिवेशन इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड वेजेज एंड कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट आर मेड फर्स्ट। ओके, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग डिप्रिशिएशन ऑफ वेस्टिंग एसेट्स प्रीवियस लॉसेज फॉर द रिजर्व एंड अदर फंड इज ऑल्सो मेड। ओके, द रेजिड्यू इज देन शेयर द मेंबर इन प्रोपोर्शन टू द वेजेज अर्निंग बाई ईच एवरी यूटिलाइजेशन पार्ट देयर फॉर टूवार्ड द पेमेंट ऑफ बोनस टू सैलरीड स्टाफ। ठीक है, देखो जो जिसका लैंड है उसको तो उसके लैंड का रेंट मिलेगा। ठीक है, जो काम करेगा उसको पर डे के हिसाब से मजदूरी का जो बनता है वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अपने प्रोडक्ट वगैरह बेचेंगे जो बच जाता है वो सबके अंदर डिविडेंट होगा। ठीक है, वो वेजेस वगैरह सारे खर्चे वगैरह निकाल के, तो इस तरह से हर पर्सन को पैसा मिलता है। जिसका लैंड है उसको भी पैसा मिलेगा, जिसने काम किया जितने दिन काम किया उसको भी पैसा मिलेगा, पैसा इसमें सबको मिलता है। ठीक है, सबको अच्छे से डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटी, ये एक नेक्स्ट स्टेप आगे। कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटी क्या होता है, इसके अंदर द सोसाइटी ओनर्स लैंड आर गेट इज लीज इन द कलेक्टिव कल्टीवेशन बाय मेंबर। ठीक है, सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी का खुद का लैंड होता है, सभी मेंबर इकट्ठे होकर एक सोसाइटी बना लेते हैं, उनका खुद का लैंड होता है या वो एक लैंड लीज पर ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सोसाइटी आर ऑर्गेनाइज ऑन गवर्नमेंट वेस्ट लैंड। गवर्नमेंट का जो वेस्ट लैंड है वो सोसाइटी क्या है, लीज पर ले लेते हैं। मेंबर गेट वेज फॉर देयर वर्क ऑन द केस ऑफ प्रॉफिट और बोनस इन ए पेड ऑफ प्रोपोर्शन टू द वेजेस। ठीक है, जो जो उनकी सैलरी बनती है वो लेते हैं और जो उनका बोनस बनता है वो भी उनको दिया जाता है। नो डिविडेंड इज पे ऑन द शेयर कैपिटल। कैपिटल में से कोई शेयर नहीं किया जाता, बस जो उनकी सैलरी है बोनस है वो बनता है वो दे देते हैं। द मेंबर ऑफ द कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटी डोंट हैव एनी ओनरशिप और प्रॉपर्टी राइट इन द लैंड। इसके अंदर क्या होता है, किसी का लैंड नहीं होता, ये लैंड मतलब लैंड पर किसी का वो ओनरशिप नहीं होती। ठीक है, राइट्स नहीं होता कि मैं कभी भी वापस ले लूँगा या कैसे। इसमें यह क्या है, कलेक्टिव फार्मिंग करनी है, एक बार दे दिया तो दे दिया। ठीक है, जितने भी साल के लिए दिया है
उस हिसाब से सोसाइटी के पास लैंड रहेगा और सोसाइटी जैसा चाहे, पूरी सोसाइटी के मेंबर जैसे चाहें वैसे वहाँ पर खेती करेंगे, फार्मिंग करेंगे, और जो भी जो पर्सन काम करेंगे उनको सैलरी दी जाएगी और बोनस भी दिया जाएगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है कोऑपरेटिव फार्मिंग के, सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्लानिंग, ठीक है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है प्लानिंग करने का, तो अच्छे से सब कुछ स्टैब्लिशमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक स्प्रिट, एक डेमोक्रेटिक स्प्रिट बन जाता है, सभी पीपल इकट्ठे हो जाते हैं, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट की सभी मिलकर करेंगे तो कॉस्ट कम होगी, क्योंकि किसी का ट्रैक्टर ले लिया जाता है, किसी का हल ले लेंगे, किसी से बीज ले लेंगे, और किसी के घर पे कोई इक्विपमेंट होगा, किसी से मजदूरी करा लेंगे, तो सारा अगर मान लो एक ट्रैक्टर एक पर्सन का 5 बीघे में खेती करता है और 50 बीघे में वही ट्रैक्टर यूज़ हो रहा है, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या है कम हो जाती है, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, अचीव द इकोनॉमिक ऑफ स्केल, जो इकोनॉमी का स्केल है वो बढ़ जाता है, एक पर्टिकुलर एक क्रॉप को बड़े लेवल पर वो उगा सकते हैं और उसे अच्छा खासा बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, और सर्विस और टेक्नोलॉजी जितनी भी सबके पास है वो इकट्ठी करके इकट्ठी यूटिलाइज उसका किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे क्या हैं एडवांटेज हैं, 6 एडवांटेज हैं, ये आपको याद करने हैं। स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग इंडिया, अभी कोऑपरेटिव फार्मिंग का इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है, 200 कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी फंक्शनिंग इंडिया, अभी तक इंडिया में 200 कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है वर्क कर रही है। द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव टेनर फार्मिंग, ये ड्राफ्ट पॉलिसी इन्होंने बना दी है कोऑपरेटिव फार्मिंग है 2016 के अंदर इन्होंने बना दी थी। द गवर्नमेंट ऑफ केरला प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग थ्रू कुदुम्बरसरी प्रोजेक्ट, एक केरला गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया था कुदुम्बरसरी प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट यही था कि कोलेक्टिव फार्मिंग करेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे सभी फार्मर्स मिलकर, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द थर्ड सिस्टम ऑफ ज्वाइनिंग फार्मिंग इज वाइडली प्रैक्टिसेज इन कोल्हापुर रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो कोल्हापुर फूल जो है, फल फूल जो है, एक सिस्टम बनाया हुआ है उनका जिससे कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, कोल्हापुर रीजन है, जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र उसके अंदर, ठीक है। लास्ट अपने अब करेंगे क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो अपने आज कर लेंगे, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस अरेंजमेंट एमिंग टू मिटिगेट द फाइनेंशियल लॉसेज सफर्ड बाय द फार्मर ड्यू टू डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर क्रॉप रिजल्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्शन रिस्क, ठीक है। फार्मर फार्मिंग करता है, फार्मिंग करने के बाद होता है क्या है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी डिजीज बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, या फिर कभी कोई आपदा आ गई जैसे टिड्डी वगैरह आ गई है, तो उनके कारण क्या है उनकी क्रॉप डैमेज हो जाती है, तो उसके लिए क्या है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई थी। ये सबसे पहले तो लॉन्च की गई थी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 1999 के अंदर, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल बंद हो गई है, इसकी जगह नई स्कीम आई है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द PMFBI प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नई लॉन्च की है खरीफ 2016 सीजन के अंदर, एट प्रेजेंट टाइम अपने ये चल रही है, ठीक है। अगर तुम KVK से लोन लेते हो तो तुम्हें उसके अंदर फसल बीमा करवाना पड़ता है, वो फसल बीमा तुम्हें बनवाना पड़ेगा, उसका बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम्स जो है वो तुम्हें देना पड़ता है, जैसे रबी का 1.5% प्रीमियम होता है, खरीफ का 2% है, और फ्रूट वगैरह लगाते हो तो उसका 5% प्रीमियम तुम्हें पे करना चाहता है, बाकी गवर्नमेंट देती है और इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर कोई लॉस वगैरह होता है क्रॉप प्रोडक्शन का तो उसको फार्मर क्या है उसको क्या है सरकार जो बीमा कंपनी है सरकार की वो पे करती है। एंड रिस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बाय रिप्लेसिंग बाय प्रीवियस स्कीम, ठीक है। अलग अलग स्कीम पहले चल रही थी, वेदर बेस्ड स्कीम अलग चल रही थी, एक वो आपकी आपदा वाली अलग स्कीम चल रही, तो इन सारी स्कीमों को हटा के सिंगल स्कीम ला दी थी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ओके। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंश्योरेंस स्कीम का, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर इन द इवेंट ऑफ प्रिवेंटिंग सोइंग एंड फेलियर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप्स एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल क्लाइमेटी पेस्ट एंड डिजीज, ठीक है। तो एक तरह का इंश्योरेंस कवरेज दे दिया जाता है सभी फार्मरों को, एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट दिया जाता है कि अगर उनकी उनकी जो क्रॉप है किसी नेचुरल क्लाइमिटी के कारण पेस्ट और डिजीज के कारण खराब होगी तो उसके लिए उन्हें बीमा क्लेम मिल जाएगा। तो एक तरह से थोड़ा एश्योर्ड हो जाता है फार्मर कि चलो मैं इनके कारण अगर मेरी फसल खराब हुई तो मुझे बीमा मिल जाएगा। सेकंड क्या है, टू इंक्रेज द फार्मर टू अडॉप्ट प्रोग्रेसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस हाई वैल्यू इन इनपुट एंड हायर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। फार्मर क्या है इंक्रेज हो जाता है कि वो अच्छी तरह से फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर सके, अच्छे इनपुट लगा सके, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करे कर सके, क्योंकि उसके उसे एक बीमा का भी सपोर्ट मिल जाता है। थर्ड क्या है, थर्ड एंड लास्ट क्या है, टू हेल्प स्टेबलाइज इनकम एंड पार्टिकुलरली डिजास्टर ईयर
तो मान लो कोई आपदा का ईयर रहता है, जैसे इस साल टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जिन्होंने फसल बीमा करा रखा है तो उनको बीमा कंपनी से क्लेम मिल जाएगा। तो इस तरह से एक डिजास्टर ईयर हो, एक आपदा वाला ईयर हो, फिर भी क्या है, एक स्टेबलाइज इनकम उनकी फार्मर्स की हो जाती है, तो जिससे ये फसल बीमा करें। ठीक है, तो आज वाला टॉपिक ये अपना हो गया है। नेक्स्ट अपने को कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम्हें आएगी तो वो तुम पूछ सकते हो कमेंट में, इसके आगे वाला पार्ट अपने कल करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।